ब्लाइंड नेशनल जूडो चैंपियनशिप में जीत हासिल कर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। सुहागपुर दलित संघ सामाजिक संस्था द्वारा दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को नेशनल ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप हेतु लखनऊ भेजा गया था, जिसमें से सभी 10 दृष्टिबाधित बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी मध्य प्रदेश के नाम कर ली। उक्त प्रतियोगिताओं में नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य के दृष्टिबाधित खिलाड़ी मौजूद थे। मध्य प्रदेश की ओर से दलित संघ द्वारा भेजे गए खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को एक बार फिर चैंपियन बना लिया। जिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उनमें अंजलि यादव गोल्ड पदक, प्रिया कीर, नेहा खरे, पूनम केवट ने सिल्वर पदक और मोना मेहरा, पूजा चौरे, ज्योति चौरे, सरिता चौरे, जगदीश रितेश कीर ने कांस्य पदक हासिल किया है। वहीं प्रिया कीर का चयन अंतर्राष्ट्रीय खेलने हेतु हुआ। उक्त सभी दृष्टिबाधित बच्चों का रेलवे स्टेशन सुहागपुर से ही स्वागत प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम अनिल गहरैया और अनीता गहरैया आने स्टेशन पर जाकर बच्चों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। दलित संघ कार्यालय के सामने बस स्टैंड पर एसडीएम सुश्री वंदनाचार्य, तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम, सीएमओ रघुवंशी, एसडीओपी साहब रणधीर और नगर निरीक्षक के साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने सभी का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। इस अवसर पर दलित संघ के अध्यक्ष सुश्री उत्कर्ष नवगिरे, संस्था सचिन रतन, उम्रे अशोक चौरसिया, सुनील रघुवंशी, मनोज कहार, विभा कहार, संजीव डे कुमार आदि उपस्थित थे। सर एक मिनट। ये हमने ट्रॉफी दलित संघ की ओर से चौथी बार ट्रॉफी जीती है और इस बार भी हमने लखनऊ से ट्रॉफी जीत के लेके आए हैं। और हमारे होशंगाबाद से मध्य प्रदेश की ओर से 10 बच्चों ने भागीदारी की थी, जिसमें से हमने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और एक हमारी बच्ची का सिलेक्शन इंटरनेशनल के स्तर पर हुआ है, जो भारत को रिप्रेजेंट करेगी विदेश में जाके, और भगवान ने चाहा तो वहाँ से भी मेडल जीत के लेके आएगी। क्या नाम है उस लड़की का? उसका प्रिया कीर नाम है, जो आप देख रहे हैं ये प्रिया कीर हैं, जो इंटरनेशनल पे इनका सिलेक्शन हुआ है। प्रिया, कैसा लग रहा है आपको इस वक्त ट्रॉफी जीतकर? सर, इस वक्त हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सारे बच्चे गए वहाँ पे पार्टिसिपेट की और हमारी ट्रॉफी मिली चैंपियनशिप की और हमारा सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हुआ है। कितने बच्चों की टीम थी तुम्हारी? 10 बच्चे की थी सर हमारी। तो बढ़िया लगा? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर से ओम प्रकाश सिंघानिया की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।